अस्सलाम वालेकुम। ये आज का जो है ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है। इसमें हम लोग हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें आज हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे कि एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है। ये कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था ना, फ्रेजिंग, पंक्चुएशन। आज हमने ये एक्सरसाइज पढ़नी है, ठीक है। और अगर आप को इन ये सब कुछ आता है ना, ये फर्स्ट सिक्स कॉन्सोनेंट्स, वॉवल ए और जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स, शॉर्ट वॉवल ई, शॉर्ट फॉर्म्स, फ्रेजिंग, पंक्चुएशन, ये सब अगर आपको आता है, इसकी प्रैक्टिस की हुई है आपने, तो आप एक्सरसाइज नंबर वन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इन सब में कोई मसला है, नहीं आता आपको, तो फिर आपको एक्सरसाइज नंबर वन में भी इश्यू होगा, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि आपको ये सब आता है, तो फिर आपको मेरे बिना पढ़ाए आपको ये एक्सरसाइज समझ लेनी चाहिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा समझा दूँगी। लेकिन सबसे पहले क्या है, फर्स्ट नंबर पर पहले इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, बट पहले इसको ना अच्छी तरह से पढ़ लें, खुद समझ लें पहले कि एक्चुअली ये लिखा हुआ है क्या। जब आप समझ लेंगे ना, तो आपके लिए फिर लिखना भी आसान हो जाएगा। तो ये देखें, फर्स्ट नंबर पे जो ऑप्शन है उसमें सबसे पहले हमारे पास डॉट दिया हुआ है। ऑन दी लाइन हैवी डॉट है, तो इसका मतलब क्या है कि ये डी है। फिर ये डी का स्ट्रोक और टी का स्ट्रोक दोनों ज्वाइन हुए हुए हैं, डी और टी, और इनके साथ डी के साथ यहाँ पे वॉवल का साइन है हैवी, तो इसका मतलब है कि ये डेट है। फिर आगे साथ में फुल स्टॉप लगा हुआ है, फुल स्टॉप को हम लोग क्रॉस से जारी करते हैं ना, ठीक है। फिर सेकंड पे आ जाए, सेकंड नंबर पे फिर से हमारे पास शुरू में डॉट है, इसका मतलब है डी, फिर P का स्ट्रोक और ये J का स्ट्रोक, PJ, साथ में डॉट है हैवी, पेज, दी पेज, फुल स्टॉप। थर्ड है DT के साथ नीचे ये टिक भी है, तो इसका क्या मतलब है, DT और साथ ये क्या बन गया, हैवी डॉट है डेट, डेट के साथ अब ये टिक भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया ये डेट दी, ठीक है, डेट दी, पेज, फुल स्टॉप। फोर्थ ऑप्शन क्या है, दी डेट फुल स्टॉप, दी डेट फुल स्टॉप। फिफ्थ है ये पी का स्ट्रोक है, इसके ऊपर डॉट है, इसका मतलब ये पे है, पे साथ में टिक है, तो पे दी बन गया, ठीक है, पे दी या डेट। यहाँ पे ऊपर देखें ये भी डेट लिखा हुआ है, ये भी डेट लिखा हुआ है, सॉरी डेट, लेकिन यहाँ पे हैवी डॉट है, यहाँ पे लाइट है, तो इसका मतलब क्या है, ये डेट लिखा हुआ है और ये डेट है, ठीक है, डॉट से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये थोड़ा डॉट डॉट लगा हुआ है, ये थोड़ा लाइट डॉट लगा हुआ है, तो ये क्या है, दी डेट फुल स्टॉप, और ये क्या है, पेज दी डेट फुल स्टॉप, ठीक है। सिक्स नंबर पे है, अब ये लाइट लाइन लगाएंगे, तो हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या बनेगा बट, लेकिन अगर इसी तरह से डार्क लाइन लगाएंगे तो ये बनेगा हु, तो ये हु लिखा हुआ है, हु, फिर ये इस तरह से पी का स्ट्रोक है, डी का स्ट्रोक है, पेड, साथ में टिक है, पेड दी, डेट, क्वेश्चन मार्क। सेवन नंबर पे क्या लिखा हुआ है, एब, बी का स्ट्रोक, शुरू में वॉवल का साइन है, तो ये एब बन गया, एब, पी का स्ट्रोक, जे का स्ट्रोक, एब, पेज, पेड, इट, कॉमा, टू, ठीक है, टेड,
ठीक है, ये किसका साइन है? डार्क, डार्क सीधी लाइन किसका साइन है? डी, डी के साथ ये डॉट लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये डे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर पी का स्ट्रोक और डी का स्ट्रोक, पेड, इट, कामा, फिर ये क्या लिखा हुआ है? ये अब टू, ठीक है, टू फुल स्टॉप। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब 8 है डेट, पी का स्ट्रोक, डी का स्ट्रोक, साथ में डी, पेड डी, डेट, विच, ये सिर्फ चे का साइन है ना, चे का सिर्फ साइन होगा, स्ट्रोक लिखा होगा, तो हम क्या समझेंगे कि ये विच है, विच की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, विच। फिर ये बी, बी के साथ साइन है वॉवल का, एब, ठीक है, एब, पेड, फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 9, डी, डे, एब, पेड डी, डेट, कॉमा, कॉमा जो हम लोग सिंपल इंग्लिश में यूज़ करते हैं ना, शॉर्ट हैंड में भी वही वाला कॉमा यूज़ होगा, ठीक है, कॉमा, टेड, पेड, इट, कॉमा, टू, फुल स्टॉप। फिर आगे नंबर 10 है, नंबर 10 में क्या है, सीधी लाइन है सिर्फ, तो इसका क्या मतलब है, डी की तरह है, तो डी का स्ट्रोक जो है वो एज अ डू यूज़ होता है, तो ये डू है, डू, पेज, टू, फुल स्टॉप। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 में क्या है, एट, डी का स्ट्रोक है, साथ में वॉवल का साइन है, तो ये एट बन गया, एट, डू, अब ये टू का साइन है, टिक, टू का साइन और साथ में डी का स्ट्रोक, तो ये टू डू, ठीक है, क्या बन गया, टू डू, इट, फुल स्टॉप। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें है कि ये पी का स्ट्रोक, पे, टेड, टू, एड, एब, फुल स्टॉप। ये थी एक्सरसाइज नंबर 1, इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, और इसकी मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग सेंड करूँगी, रिकॉर्डिंग सुन के आप लोगों ने इसको नोटबुक्स में लिखना होगा, ज़ुबानी देख के नहीं, सर मेरी रिकॉर्डिंग लगी रहेगी और आप लोग लिखते रहेंगे, रिकॉर्डिंग को स्टॉप नहीं करना, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने इसका होमवर्क करना है, वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी रिकॉर्डिंग, और चैप्टर नंबर 1 एक दफ़ा रिवीजन करवा देती हूँ कि चैप्टर 1 नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, कल हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ओके। चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने फर्स्ट 6 कंसोनेंट्स पढ़े थे, पी, बी, टी, डी, जे, जे, पी का सिंबल लाइट, बी का डार्क, टी का लाइट, डी का डार्क, जे का इस एंगल में लाइट, जे का डार्क, ये सब पेयर्स की सूरत में थे, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने वावल ए को डिस्कस किया था कि वावल ए क्या है, वावल ए जो है उसको हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी एग्जांपल्स क्या थी, एब, बे, एब, बे, ये सारी इसकी एग्जांपल्स थी। फिर जॉइनिंग ऑफ कंसोनेंट्स पढ़ा था, इसके हम लोगों ने 5 रूल्स पढ़े थे, वो भी मैंने आपको नोट करवाए थे, आप चेक कीजिएगा, तो उन रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने इनकी जॉइनिंग की थी, बी जे, बी टी, डी बी, इसी तरह इन सब की ज्वाइनिंग की थी, ठीक है। फिर हमने वावल ई को डिस्कस किया था, वावल ई को लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी एग्जांपल्स क्या थी, एच, एच, बेट, बेप, ये इसकी एग्जांपल्स थी, ठीक है।
उसके बाद हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म्स को डिस्कस किया था, शॉर्ट फॉर्म्स क्या होती हैं, वो भी मैंने आपको बोला था कि आप लोग अपनी नोटबुक्स में एक टेबल बना लें, उम्मीद है कि आप लोगों ने बना लिया होगा। ठीक है, तो ये सारी शॉर्ट फॉर्म्स भी मैंने आपको नोट करवा दी थी। उसके बाद फ्रेजिंग पढ़ी थी। फ्रेजिंग जो है वो दो अल्फाज को जब हम लोग ज्वाइन करते हैं ना, तो उसको फ्रेजिंग कहते हैं। जैसे टू डू हो गया, टू डू को हम लोग ने इकट्ठा लिख लिया, बट विच को इकट्ठा लिख लिया इस तरह से। और दी का भी हम लोग ने पढ़ लिया था कि दी के लिए जो है एक टिक यूज़ होता है। टिक इस तरह से यूज़ होता है कि स्ट्रोक का झुकाव जिस तरफ होगा, टिक का जो साइन है ना वो भी उसी तरफ लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पंक्चुएशन पढ़ ली थी। पंक्चुएशन में हम लोगों ने कितने साइंस पढ़े थे, 1 2 3 4 5 6 साइंस हम लोगों ने पढ़े थे। फुल स्टॉप इस तरीके से यूज़ होगा, क्वेश्चन मार्क इस तरीके से, एक्सक्लेमेशन इस तरीके से, हाइफन डैश और पैरेंथेसिस। और बाकी साइंस जो हैं वो ऑलमोस्ट जो इंग्लिश में यूज़ होते हैं ना उसी तरीके से इसमें भी यूज़ होते हैं, शॉर्ट हैंड में भी। ठीक है, तो बाकी आज एक्सरसाइज नंबर 1 डिस्कस कर ली, तो इसका मैं अब आप लोगों को ग्रुप में होमवर्क सेंड कर दूँगी। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। यहाँ से आप एक्सरसाइज नंबर 1 का स्क्रीनशॉट भी ले लें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी समझने में। ओके, अल्लाह हाफिज़।